एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सालू एस ब्लॉग। मैं ब्रश नहीं की हुई थी तब आए थे। ये देखिए आर्यन सो रहा है। सो रहे हो? जग रहे हो? गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं मेरी सीट उधर है, तो मैं आर्यन के पास आके ऐसे ही मतलब लेट गई थोड़ा सा अकेली थी, क्योंकि अर्श अपने पापा के पास है और आर्यन इधर लेटा हुआ है दूसरे सीट पे। मैं इधर आके लेट गई हूँ, तो मतलब सूट कर रही थी, उसी बीच में फ़ोन आ गया था, बात करने लगी थी। तो अभी मुझे पता नहीं है कौन सा स्टेशन में पहुँचे, बहुत लेट ट्रेन है, बहुत ही ज़्यादा लेट है। क्या अब तक कब पहुँचेंगे? शायद मेरे ख्याल से एक तो बज ही जाएगा पहुँचने के लिए। आप लोग भी देखते हैं, अपने चाय पीने के थोड़ा सा अच्छा रहता, अच्छा लगता मुझे। मैं चाहती हूँ अपने सीट में बैठने, और बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जी नहीं है, चाय नहीं पी हूँ इसके लिए एनर्जी कम। चाय तो अभी हम कटनी पे पहुँचे हैं। कटनी से क्या पता 4-5 घंटे लगते हैं। हम शायद पहुँचेंगे अपने स्टेशन पे 4 बजे। बहुत टेंशन हो रहा है, बाबू का दूध भी था वो भी फट गया है। बाबू बहुत रो रहा था, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो ऊपर का कुछ खाता नहीं है ज़्यादा करके। अभी बहुत टेंशन हो रहा, अभी तो शायद सो गया, अभी सुला दी हूँ, अभी सो रहा है। और मैं दिखाती हूँ आर्यन क्या कर रहा है। उनकी मोबाइल रखे हैं। नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा हो गया, तुम खा लो, मैं थोड़ा बाहर देख के आती हूँ। ये देखिए कटनी स्टेशन पे अभी हम पहुँचे हैं। कितनी भीड़ है यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़। और एसी से एसी डिब्बा से निकले और बाहर निकले, इतना गरम गरम लग रहा है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। इधर लगता है एमपी में बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए एकदम कड़क धूप है यहाँ। मैं अंदर जाती हूँ, बहुत गर्म लग रहा है। मैं अंदर जाती हूँ। लोग सतना उतर गए हैं और अब जा रहे हैं, गाड़ी पकड़ेंगे और घर निकलेंगे। मत तोड़ना बाबू। तो हम जाते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं और घर के लिए निकलते हैं। बहुत गर्मी है यहाँ, गाड़ी से उतरने के बाद ऐसे कि ऐसे से निकलने के बाद ऐसे लग रहा है कि आग के भट्टी में घुस गए हैं। लोग पहुँच गए हैं गांव, और गांव में पहुँची हूँ कल, और कल पहुँची हूँ तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि क्या बताऊँ, हालत बहुत ख़राब है। तो मैं और मम्मी और आर्यन बोलोगे कुछ, तो हम लोग जा रहे हैं रीवा घूमने के लिए। शायद किसी को पता होगा कि हम रीवा जा, मतलब रीवा नाम किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। तो हम लोग जा रहे हैं, तो अभी पेट्रोल टंकी पे खड़े हैं, तो पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी पे। ये देखिए तो हम लोग जा रहे हैं, तो अभी आर्यन के पापा गए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, उधर से पेट्रोल डलवा लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे रीवा घूमने के लिए, थोड़ा शॉपिंग करेंगे। क्योंकि नासिक में मैं बोली थी ना कि शॉपिंग नहीं कर पाई थी, तो यहाँ जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे उसके बाद शाम तक में। मौसम तो थोड़ा बहुत हो रहा है मतलब बारिश जैसा, पर इतनी गर्मी है यार यहाँ, इतनी गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है यहाँ, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए हमारे यहाँ का पहाड़ बहुत डेंजर है। ये मोड़ में आए हैं हम लोग और बहुत ऊंचा पहाड़ है। ये देखिए कितनी बड़ी खाई है, कितना मस्त लग रहा है यहाँ का नज़ारा।
कुछ बोलोगे शहरूफ? कुछ बोलोगे? ये देखिए कितना मस्त नजारा है, और एकदम बादल किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा यहाँ लग रहा है गांव, मतलब जहाँ से आए निकले गांव से वो इतना गर्म लग रहा था क्या बताएं, यहाँ हवा लग रहा है सफर में। ये रहा हमारे छुईया घाटी का मंदिर, ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, और कोई कोई नाम सुना होगा छुईया घाटी, तो ये एमपी की सबसे बड़ी मतलब पहाड़ है, उस छुईया घाटी है। ये देखिए वहाँ का, ये इसका पानी कभी नहीं सूखता है, ऐसे कैसे ही रहता है, कितना भी गर्मी रहे लेकिन इसका पानी नहीं सूखेगा। सो ये देखिए कितना अच्छा नजारा है, चांद के आर्यन के पप्पा और बाबू छोटा वाला खेल रहा है, और ये देखिए बंदर बैठे हुए हैं, वो देखिए कैसे भाग रहे हैं, ये देखिए बंदर, ये देखिए कितना है, सारे बंदर बैठे हुए हैं, ये भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, मोबाइल लेके ना भाग दे, ये देखिए, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ से जाऊँ ही ना, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, और ये हम बीच पहाड़ में रुके हुए हैं, ये देखिए इतना अच्छा यहाँ का नजारा, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है क्या बताऊँ, बहुत मस्त लग रहा है यहाँ। और ये देखिए गोविंदगढ़ और भगवान के बीच में है, हम लोग गोविंदगढ़ पहुँचने वाले हैं, और रीवा जा रहे हैं, रीवा जाके शॉपिंग करेंगे थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद चले आएंगे, तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है कि क्या बताऊँ। पत्थर मत मारो आर्यन, पत्थर मत मारो। और ये हमारा चुलबुला सा भाई है, चाचा का लड़का है, कुछ बोलोगे? वो सर मार रहा है। और ये आर्यन के पप्पा, और ये आर्यन है, नहीं बाबू है, बाबू यश मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, वान मत बोलो। तो हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं रीवा, गाड़ी पे बैठ गए हैं, सच में इतना गर्मी है यहाँ, नासिक से तो चार गुना ज्यादा यहाँ गर्मी, बहुत गर्मी है, हालत खराब है, ना खाने का मन करता है ना कुछ भी, और कूलर पे बैठो तो उसका भी बहुत गर्म हवा रहता है, इतनी गर्मी की बहुत हालत खराब, बहुत पछता रहे हैं, लेकिन क्या करें, आना पड़ा। आर्यन भी बैठा हुआ है, तो जा रही हूँ रीवा, देखती हूँ शॉपिंग करना है और क्या क्या लेते हैं, क्या करते हैं। ये मेरा भाई है जो आगे बैठा है, वो चुप नहीं होता, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, देख लीजिए सुन लीजिए कितना बोल रहा है, नहीं। तो मैं सिंपल सा ड्रेस पहनी हूँ, नीचे का कपड़ा और ऊपर का। और ये देखिए मम्मी मेरी कैसे बैठे हुई मोबाइल चलाते मस्त जा रही है, और ये भाई मेरा इतना बोलता है कि चुप नहीं होता है, किसी टाइम पे बोलो तब भी नहीं चुप होता है, अब कैसे चुप हो गया क्या पता। मम्मी बैठी, बाकी पूरी सीट खाली, कोई नहीं बैठा हुआ, हम तीन चार लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा नजारा है, कितना मस्त लग रहा है, क्या बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है, और आज बादल किया थोड़ा थोड़ा तो और भी अच्छा लग रहा है, ये देखिए धूप नहीं किया है ज़्यादा करके, बादल बादल है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम गोविंदगढ़ पहुंचने वाले हैं, शायद गोविंदगढ़ पहुंचने वाले हैं ना, गोविंदगढ़ पहुँचने वाले हैं आप, मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ, और इतनी ज़ोर से बारिश चालू हो गई थी कि मैं कुछ सूट ही नहीं कर पाई हूँ, और ये हमारे गांव का मतलब गांव है हमारा, ये देखिए, और इतना बारिश हुई कि मैं क्या बताऊँ आज। आर्यन किधर जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? और मैं छत पे चढ़ी हुई हूँ क्योंकि नीचे मतलब अंधेरे है, लाइट नहीं है, यहाँ बारिश होती तो पहले नंबर लाइट ही जाता है, और देखिए मैं कैसे बन गई हूँ, पूरा बाल मेरा गीला गीला क्योंकि मैं भीग गई थी। तो आर्यन इधर आओ, कुछ बोलोगे? नो। ये देखिए आर्यन कैसे घूमता रहता है यहाँ सारा दिन, इतनी गर्मी हो रही थी कि क्या बताऊँ, कैसे भी, तो अभी फर्स्ट बार ही मतलब यहाँ इतनी ज़ोर से बारिश हुई है इस बार,
मतलब इस साल। तो मैं यहाँ का मौसम दिखाऊंगी अभी आपको, कितना अच्छा लगता है। देखिए पूरे पहाड़ पे बादल लगा हुआ है और यहाँ से घर है तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, मैं इधर से दिखाती हूँ आप लोगों को। अरे ये ऐसे क्यों आ रहा है वीडियो, ये देखिए पूरे पहाड़ पे बादल लगा हुआ है, ये देखिए ऐसे मौसम किया पूरा बादल लगा। उधर ना डर है ना, ये देखिए कितना बारिश हुआ है, छत पे भी पानी अभी तक है। तो ये मेरे मम्मी का घर है और बहुत बड़ा छत है, ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा छत, इतना बड़ा छत है मम्मी का, बहुत बड़ा छत है। बहुत मज़ा आता है रात को अगर आ जाए हम यहाँ, खाना वाना खाते हैं यहीं, मस्त रहते हैं। ये देखिए हमारे गांव के ऐसा, ये वो आप ऊपर वायर वगैरह लगा है क्योंकि ये लाइटिंग मेरे ही घर के बाजू में है तो वायरिंग वगैरह लगा है। मुझे पहाड़ का नज़ारा तो बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के। ये देखिए मौसम तो इतना अच्छा किया है कि क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छा मौसम किया। और ये अभी इस साल फर्स्ट बारिश हुई है यहाँ, फर्स्ट बारिश हुई, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं शॉपिंग की हूँ लेकिन दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि लाइट नहीं है मेरे रूम पे, मतलब मेरे गांव पे ही लाइट नहीं है। बारिश हुआ वायर है ना तो नहीं दिखा सकती हूँ, ये लो देखो तो लाइट गई है, बारिश आया तो लाइट चली गई है। तो मैं शॉपिंग का मतलब कुछ दिखा नहीं सकती हूँ क्या लाई हूँ क्या नहीं, डायरेक्ट हम कल दिखाएंगे क्योंकि कल बकरीद है। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो पे बने रहिएगा तो देखिएगा, हम कल दिखाएंगे आपको कि हम मतलब क्या लाए हैं और क्या नहीं। तो कल हम जो शॉपिंग किए हैं पहनेंगे आपको दिखाएंगे। प्लीज़ आप लोग कल का वीडियो मस्त दिखिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। कल हम बकरा लिए हैं आके कुर्बाने के लिए, तो बकरा अंदर बांधा हुआ क्योंकि बारिश हो रही है तो अंदर बांध दिए हैं उसको, तो हम कल दिखाएंगे आप लोगों को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय।